प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अहवाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य रजनीश अर्थात ओशो ने अपने विचारों के आधार पर एक अलग दुनिया गढ़ी। मुक्त सेक्स को लेकर ओशो की विचारधारा पर हमेशा सवाल ही उठते रहे। उन्होंने सेक्स को समाधि का रास्ता बताया। उनकी विचारधारा समाज को चुनौती देती है। जो लोग ओशो के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए ओशो का नाम दुनिया भर के प्रसिद्ध बाबाओं और गुरुओं में से ही एक है। उनके लिए ओशो की पहचान एक ऐसी विवादित शख्सियत की है जिन्होंने हमेशा बेरोकटोक जीवन और मुक्त सेक्स जैसी बातों का समर्थन किया। मगर हमें जरूर जानना चाहिए कि ओशो की आखिर संभोग सेक्स को लेकर क्या विचारधारा थी। ओशो ने सेक्स को समाधि तक पहुँचने की सीढ़ी क्यों बता दिया और हमारे शास्त्रों का इस विषय पर क्या मत है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का प्राथमिक बिंदु सेक्स ही है और जो लोग सेक्स को घृणा के नजरिए से देखते हैं वे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। ओशो के मुताबिक संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है और संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है। ओशो ने कहा है कि हमने सेक्स को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम सेक्स की बात करते वक्त भी भयभीत होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य के जीवन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम अर्थात सेक्स है। सेक्स की शक्ति ही प्रेम बनती है। सेक्स ऊर्जा का अधोगमन अर्थात नीचे की तरफ बह जाना और ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन अर्थात ऊपर की तरफ उठ जाना होता है। पति पत्नी के रिश्तों को ओशो मंदिर से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पति अपनी पत्नी के पास इस तरह से जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वास्तव में वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। जीवन की समस्त उत्पत्ति काम से ही होती है। जगत की सृष्टि भी काम से ही है। सृजन का सूत्र ही काम है। अगर ब्रह्मा ने भी जगत को उत्पन्न किया तो शास्त्र कहते हैं कामना पैदा हुई। ब्रह्मा में काम का जन्म हुआ, तभी तो यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इस जगत में जब भी कुछ पैदा होता है तो पैदा होने का सूत्र ही काम है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ही जब पैदा होते हैं तभी काम की शक्ति काम आती है। नहीं, कुछ और भी पैदा होता है। एक कविता पैदा होती है, एक चित्र पैदा होता है, एक मूर्ति निर्मित होती है। जहाँ भी कोई व्यक्ति कुछ सृजन करता है तो उसके भीतर जो ऊर्जा, जो शक्ति काम में आती है वो काम ही है। उत्पत्ति मात्र काम है, सृजन मात्र काम है। इसलिए जो लोग इस सत्य को बिना समझे काम से शत्रुता में लग जाएंगे, उनका जीवन निष्क्रिय और उनका जीवन सृजनहीन और उनका जीवन एक लंबी मृत्यु हो जाएगी। काम से ही सब उत्पन्न होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि काम में ही सब समाप्त हो जाता है। काम के पार जाया जा सकता है, लेकिन वह पार जाना भी काम के ही मार्ग से होता है। वो सृजन भी कामवासना के ही मार्ग से होता है। समस्त पृथ्वी पर सनातन धर्म अकेला धर्म है जिसने काम को भी अपनी जीवन दृष्टि में समाहित किया है। यह बड़े साहस की बात है, क्योंकि सामान्यतः धर्म काम के विरोधी होते हैं। और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ईसाई परम पुरुष कह सके कि मैं कामदेव हूँ। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई जैन धारणा इस बात की स्वीकृति दे सके ईश्वर को कहने की कि मैं कामदेव हूँ। यह असंभव है, सोचना भी असंभव है। लेकिन कृष्ण इसे सहजता से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ और संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। सनातन संस्कृति ने ही अकेले पृथ्वी पर ऐसे मंदिर बनाए जैसे खजुराहो, कोणार्क, जहां हमने भीतर परमात्मा को स्थापित किया और भित्ति चित्रों पर काम के अनूठे अनूठे चित्र खोदे। असंगत मालूम पड़ता है। खजुराहो के मंदिर में प्रवेश करे तो घबराहट मालूम होती है। मंदिर जहां प्रभु को स्थापित किया है उसकी भित्ति उसकी दीवारों पर संभोग मैथुन एवं काम के चित्र खुदे हैं और स्तुतियां भी निर्मित हैं, और ऐसी मूर्तियां पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं बनाई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम केवल कामवासना के एक ही रूप से परिचित हैं, और इसलिए जब भी कामवासना का ख्याल भी हमारे मन में आता है तो जो चित्र हमारे सामने मौजूद होता है वो हमारी ही कामवासना के अनुभव का है। हमें कामवासना के दूसरे रूप का कोई पता ही नहीं है। एक ही ऊर्जा है मनुष्य के भीतर, उसे हम कोई भी नाम दें, अगर वही ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो कामवासना और सेक्स बन जाती है, और वही ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है तो अध्यात्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, हम जो भी नाम देना चाहें, वही ऊर्जा और शक्ति वही है, सिर्फ आयाम और दिशा बदल जाती है। नीचे की ओर गिरती हो वही शक्ति वासना हो जाती है, ऊपर की ओर उठती हो वही शक्ति आत्मशक्ति हो जाती है। नीचे की ओर गिरती हो तो दूसरों को पैदा करती है और ऊपर की ओर उठने लगे तो स्वयं को जन्म देती है। नीचे की ओर बहना हो उसे तो किसी और को आधार बनाना पड़ता है, ऊपर की ओर बहना हो तो स्वयं ही आधार होना पड़ता है। काम ऊर्जा नीचे की ओर बहती हो तो जननेन्द्रिय के मार्ग से प्रकृति में लीन हो जाती है,
और अगर ऊपर की ओर बहने लगे तो सहस्रार से लीन होकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। कृष्ण जब कहते हैं मैं कामदेव हूँ, तो वे कामवासना के दूसरे रूप को भी समाहित कर रहे हैं। वह दूसरा रूप ही हमारी दृष्टि में नहीं है, इसलिए हमें अड़चन और कठिनाई होती है। जैसे काम की शक्ति अर्थात सेक्स एनर्जी बाहर की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है, दूसरे शरीरों की तरफ बहती है, यह बहाव का एक ढंग है। जिस पल कामवासना साध्य बन जाती है तब आध्यात्मिक आयाम खो जाता है, किंतु अगर काम ध्यान पूर्ण हो जाए तो यह आध्यात्मिक आयाम की ओर उन्मुख हो जाता है। यह सीढ़ी का पत्थर छलांग लगाने का तख्ता बन जाता है। स्त्रियों को छोकर भाग जाने से कोई स्त्रियों से मुक्त नहीं होता, लेकिन स्त्रियों के बीच रहकर गृहस्थ जीवन जिकम मुक्त हो जाना यह बड़ा साहस है। भागकर तो मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिससे हम भागते हैं वो कल्पना में हमारा पीछा करता ही रहता है। जब काम की ऊर्जा अपनी तरफ बहनी शुरू होती है, स्व की तरफ बहनी शुरू होती है, तब हमें कामवासना का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन पता चलता है। तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने जहर समझा था वह तो अमृत है, और तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने परतंत्रता समझा था वही हमारी स्वतंत्रता बन जाती है, और तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने नरक का द्वार समझा था वही हमारी मुक्ति का द्वार भी है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं कामदेव हूँ, तो इस सारी दृष्टि को सामने रखकर कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं कामदेव हूँ, समस्त जीवन के सृजन का मूल आधार मैं हूँ। कृष्ण, बुद्ध या महावीर कामवासना को रूपांतरित करने की व्यवस्था देते हैं, और जब कामवासना रूपांतरित होती है तो फिर उसको कामवासना न कहकर हम कामदेव कहते हैं। जिस दिन कामवासना ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है उस दिन कामदेव हो जाती है। इसलिए सनातन अकेला धर्म है जमीन पर, जिन्होंने कामवासना को भी देवता की स्थिति दी है, उसको भी देव कहने की हिम्मत जुटाई है, लेकिन वो रूपांतरित है, ऊपर उठ गया है, दूसरे से संबंध छूट गया है, शक्ति अपने ही भीतर प्रवाहित होने लगी है, अपने ही अंतस्थल में अंतर्यात्रा पर निकल गई है। यही संभोग से समाधि की यात्रा है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।